की सरल, व्यवहारिक और मन को छू लेने वाली शिक्षाएं हमें संशय से समाधान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं, जिनका बतलाया मार्ग किसी का अंध अनुगामी होना स्वीकार नहीं करता। जो कहते हैं अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, तुम्हें किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि ज्ञान बाहर नहीं भीतर ही है। यह सरल, व्यवहारिक और मन को छू लेने वाली शिक्षाएं किसी और की नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध की हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में वैशाख पूर्णिमा को हुआ। उनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ही बाद में गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध कहलाए। वह इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे। यह वही वंश है जिसमें भगवान श्री राम हुए। सन्यासी बुद्ध ने अपने चारों ओर समाज में पैर पसारती कुरीतियों और आडंबर के अंधकार को देखा तो उनकी आत्मा छटपटा उठी और उन्होंने इस अंधकार से लड़ने का बीड़ा उठा लिया और आडंबरों में जकड़े लोगों को कर्मकांड से ज्ञान कांड की ओर मोड़ना प्रारंभ किया और सनातन ज्ञान को नए रूप में लोगों के सामने परोसा, जिसे नाम मिला बौद्ध संप्रदाय, जिसके विस्तृत रूप को ही लोग बौद्ध धर्म कहते हैं, जो भारत की सनातन संस्कृति का ही विस्तार है। कई वर्षों की तपस्या और साधना के बाद वे बोध को अर्थात पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए। इसी कारण लोगों के बीच वह भगवान बुद्ध कहलाने लगे। अपना प्रथम उपदेश उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान में दिया था। तब उनके शिष्यों की संख्या केवल 5 थी, किंतु बुद्ध को इसकी चिंता नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि यदि आदर्श ऊंचे हों व संचालन दूरदर्शिता पूर्ण हो तो सफलता स्वतः ही मिलती है। कई वर्षों तक निरंतर उपदेश करते हुए वह भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। अपने भ्रमण के दौरान धर्म के नाम पर समाज में आई रूढ़ियों, अंधविश्वासों, भेदभावों तथा अनेकानेक जड़ मान्यताओं को उन्होंने अमान्य कर दिया। उनकी आडंबर रहित साधना पद्धति ने लोगों को दुखों से मुक्त होने का एक नया एवं सरल मार्ग दिखलाया। हजारों लोगों ने उनके बतलाए मार्ग का अनुसरण किया और भारत की पुण्य धारा का यह ज्ञान भारत वर्ष की सीमाओं को लांघते हुए नेपाल, तिब्बत, बर्मा, वियतनाम, चीन, जापान, मंगोलिया, लंका, कोरिया तक फैला, जिससे भारतीय धर्म, दर्शन, कला, साहित्य सृजन का भी इन सुदूरवर्ती देशों में विस्तार हुआ। भारत की इस महान विभूति ने दुखों से त्रस्त मानव जाति को सुख शांति का एक नया मार्ग दिखलाया। महात्मा बुद्ध का अवतरण भारतवर्ष की एक क्रांतिकारी घटना है, जिसने समाज में आई विकृतियों, आडंबरों और पाखंड को दूर कर सनातन संस्कृति के मूल आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित किया था। गौतम बुद्ध ने 4 सूत्र दिए, जो 4 आर्य सत्य के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध का मूल प्रतिपादन जिन 3 सूत्रों, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, अर्थात हम बुद्धि व विवेक की शरण में जाते हैं, हम संघबद्ध होकर एकजुट रहने का व्रत लेते हैं, हम धर्म की शरण में जाते हैं में निहित है, जो सनातन धर्म की मौलिक परिकल्पना के ही तत्व हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही समय बाद उनके शिष्यों ने गुरु की शिक्षाओं का यथासंभव पूर्ण और प्रामाणिक संग्रह बनाया। महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व की कथा को जिन 3 ग्रंथों में लिखा गया, उस संकलन को त्रिपिटक कहा जाता है। यह कार्य महत्वपूर्ण था क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने शिष्यों से स्पष्ट रूप से कहा था, मैंने आपके लिए सत्य और व्यवस्था के जो नियम निर्धारित किए हैं,
मेरे जाने के बाद उन नियमों को स्वीकार कर उन्हें ही अपना शिक्षक बनाना। कालक्रम में बौद्ध धर्म दो पंथों में बट गया, हीनयान और महायान। जहां हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, वहीं महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं। बुद्ध के निर्वाण के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध के विचार को स्वीकार कर अपनी समस्त राजशक्ति के आधार पर देश विदेश में बौद्ध दर्शन व विचारों का प्रचार प्रसार किया। हिंदू धर्म शास्त्रों में महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। भगवान बुद्ध के रूप में वे सदैव भारतीय समाज में पूजनीय हैं।